अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और रेस्टो मौजूदा हफ्ता 12 से 18 मार्च 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से। मौजूदा हफ्ते का बुर्ज मीजान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका मुतारा दौरा 6 से 31 मार्च है, जो कि 8वें घर में रहते हुए आपकी शादी, शराकत दारी और विरासत के मामलों को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। 13 और 14 मार्च को जोरा प्लूटो तसलीस के असरात मुरतब होने से दूसरों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए मुश्तरक बुनियादों पर काम कर सकेंगे। 13 और 14 मार्च को ही जोरा मुश्तरी करान की वजह से रूहानियत के फरोग में दिलचस्पी पैदा होने के अलावा कई किस्म के फलाही कामों को भी आगे बढ़ा सकेंगे। इसी दौरान अहम तकरीबात में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। 14 और 15 मार्च को जोहरा मरीख तसलीस रूनमा होने से अपने मकासद के हुसूल के लिए खतरात, यानी थोड़ा सा खतरात मूल लेना, यानी थोड़ा सा रिस्की एक्शन जो आप कर सकेंगे और इसी तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो सकेगा। ये रिस्क जो है आपके लिए बेहतर रहेगा, जबकि आपको किसी सेहतमंद तफरी से लुत्फअंदोज होने का मौका भी मुयसर आ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मार्च को कोई नया मनसूबा मुकम्मल कर सकेंगे। 13 मार्च को रोमांस के मामलों में कामयाबी हासिल हो सकेगी, जिसके बाद ही आप अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। 14 मार्च को शराकतकार की ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे, यानी आपका जो पार्टनर है वो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसकी जो भी ख्वाहिशात है या सोच है उसके मुताबिक आपको अपने आप को एडजस्ट करना जो है ना वो जरूरी होगा। 15 मार्च को अपने शरीकों या से ताउन और हमदर्दी का इजहार कर सकेंगे। 16 मार्च को अंदरूनी मुल्क सफर के मौके में असर आ सकेंगे। 17 मार्च को तालिबे इल्म अपनी तालीमी कमी को ऐसे तरीके से जो है ना वो दूर कर सकेंगे। 18 मार्च को अपने ख्वाबों की तकमील करने के अलावा अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी इकदाम कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के जो हामिल दिन वो 13, 14 और 15 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है, इसलिए अपने मुस्बत दिनों से फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिर मिसार अमरीक तमाम माह आपके जाते कि 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से जो वाबस्ता उम्मीदें पूरी करने में उसमें रुकावट बन सकेगा, लिहाजा मोहतात रहने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों से तवक्कात वाबस्ता नहीं कीजिएगा। आपका जालिया कंप्लोटर तमाम माह जाएगा। 3रे घर में रहते हुए किसी मुमकिन सफर से फायदा हासिल करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके बहन भाई भी मुख्तलिफ उमूर में आपके साथ तआमुन कर सकेंगे। 13 और 14 मार्च को मुश्तरी प्लूटो तसलीस की वजह से हालात को मुतवाजन रखने और अपने मकासद के हुसूल के लिए अपनी जात पर मुकम्मल एतमाद करते हुए खुद इन्हिसारी से काम लेने के अलावा मुस्बत और मुस्तहकम फैसले करने भी जरूरी होंगे। 14 और 15 मार्च को जोहरा प्लूटो तसलीस के जेर असर खास मकासद के तहत मुश्तरका कामों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे, लेकिन किसी मामूली मसले की वजह से दूसरों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी भी जन्म ले सकती है। 14 और 15 मार्च को जोहरा मरीख तसलीस होने से आपकी तकलीकी सलाहियतें ही नहीं निकलेंगी, बल्कि आपकी शख्सियत भी मजीद बेहतर हो सकेगी, जिससे आपके मौजूदा रोमानवी उमूर खुशी का जो है वो बाइस बन सकेंगे। 14 और 15 मार्च को मरीख मुश्तरी तसलीस आपके अहम उमूर में मुस्बत किरदार अदा करके आपकी खुद इत्मादी को बढ़ा सकेगा, जिससे आपके हालात में खुशखबर तब्दीलियां भी रुनमा हो सकेंगी। 15 और 16 मार्च को मरीख प्लूटो तसलीस की वजह से अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए कई इकदाम कर सकेंगे, जिससे मिलजुल कर काम करने की कोशिशें फायदेमंद साबित होने के अलावा दूसरों को अपने नजरियात के मुताबिक हम आहंग यानी कोऑर्डिनेट करने में भी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मार्च को अपनी जायदाद और खानदानी मामलात आपकी दिलचस्पी का बाइस बनेंगे। 13 मार्च को बाद अफराद की वजह से परेशानी का सामना हो सकता है। 14 मार्च को अहम मामलात के सिलसिले में बातचीत करते वक्त मुहतात रहिएगा, खासतौर पर अपने लहजे और अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा मुहतात रहकर करने की कोशिश कीजिएगा। 15 मार्च को अपनी जानत से ही अपनी परेशानियों से बच सकेंगे। 16 मार्च को मुलाजमत पेशा अफराद जो है उनकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है। 17 मार्च को घरेलू कामों में आपकी मसरूफियत मजीद बढ़ सकती है। 18 मार्च को मुश्तरक तौर पर काम करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, जिसकी वजह से आपकी परेशानियां भी जायल हो सकेंगी या आप उनसे निजात हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर सात असरात के जो हामिल दिन है वो 12, 14 और 16 मार्च के साबित हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए भी मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। बुर्ज कौस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। बुर्ज कौस की जब बात आएगी तो सेक्रेटेरियस कहना मैं भूल गया, सॉरी।
आपका आठवें तारा मुश्री तमाम आपके दायरे के छठे घर में रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहतों की इमदाद और काम का हसूल मुमकिन बनाने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुलाकाती उम्र में आला रुतबा का हसूल भी आपको हासिल हो सकेगा। अलावा यही आपकी सेहत भी मजीद बेहतर हो सकेगी। आपका आठवें तारा मुश्री 12, 13 और 13 मार्च को प्लूटो से तसलीस की हालत में होगा, जिससे हालात में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आपको अपनी खुद एतमादी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसकी वजह से अपने मकासद के हुसूल में कामयाबी और करियर में तरक्की आपकी काबिलियत की बुनियाद पर ही हो सकेगी, जबकि इस दौरान मुस्तकबिल के लिए भी बहुत से अहम फैसले या मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। अगर आप ठोस मनसूबाबंदी करने में इस ड्यूरेशन में कोई आपने बहुत सॉलिड किस्म की कोई आपने प्लानिंग कर ली तो यकीनी तौर पर आपको बहुत से फायदे हासिल होंगे। 14 और 15 मार्च को जोरा मित्री करान की वजह से सियासी और समाजी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, जिसकी वजह से आप में सखावत का जज्बा बढ़ने से आपके हल्का अहबाब में इजाफा हो सकेगा। इन असरात के दौरान कुछ अहम तकरीबात में शमूलियत इख्तियार करने के अलावा उसको प्रिजाइड करना या सदारत करने में भी जो आपको कुछ मौके मुयसर आ सकते हैं। 14 और 15 मार्च को मरीख मुश्री तसलीस की वजह से मुस्बत तरीकाकार इख्तियार करके आप मौजूदा हालात में कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। इससे आपके खुद इत्मादी में इजाफा होने से आपकी मजबूत कुव्वत फैसला आपको कामयाबी की तरफ गामजन कर सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 मार्च को अपनी मौजूदा सरमायाकारी को मुनाफा बख्श बनाने के लिए आपको सफर इख्तियार करना पड़ेगा। 13 मार्च को अपने घरेलू हालात को बेहतर बना सकेंगे। 14 मार्च को अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। 15 मार्च को अपने खुफिया ख्यालात का इजहार आजादी से कर सकेंगे, यानी कुछ छुपे हुए कुछ ऐसे ख्यालात जिनके बारे में आप सामने लाना जरूरी नहीं समझते, लेकिन आप 15 को आपको इसका इजहार करके कामयाबी मिलेगी, जबकि आपकी परेशानियां जो है उनका खात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 16 मार्च को रोमानवी माहौल जो है खुशगवार रहेगा। दूसरों के जज्बात की कदर कीजिएगा और उनको थोड़ा सा इज्जत देने की कोशिश कीजिएगा। 17 मार्च को सरमायाकारी के मामला आपके लिए बेहतर साबित होंगे। 18 मार्च को कोई खुशखबरी सुन सकेंगे, जिस शोबे से आपका तल्लुक है यकीन तौर पे खुशखबरी का तल्लुक भी उसी शोबे से हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो मिलते हैं वो 12, 13, 14, 15, 16, यानी मजमू तौर पर यह सारा हफ्ता ही आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इस मोर ओवर आपके लिए कोई भी मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा आपको एहतियात करना पड़े। इसलिए अब बड़े सुकून से तहमुल से और रिलैक्स मूड में अपना पूरा हफ्ता एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।